नमस्कार, मैं प्रिया, आपका स्वागत है बिहारी न्यूज में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे गया जिले के पर्यटन स्थलों के बारे में। बिहार पर्यटन में गया का एक मुख्य स्थान है। गया में बौद्ध धर्म के संस्थापक भगवान बुद्ध को बौद्ध ज्ञान प्राप्त हुआ था। इसी कारण गया का राज्य और देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी एक खास पहचान है। गया का पर्यटन केवल धार्मिक एवं आध्यात्मिक जगहों के लिए ही नहीं जाना जाता बल्कि खूबसूरत पहाड़ियों, घाटों और गुफाओं के लिए भी जाना जाता है। ऐसे तो गया में पर्यटन के कई स्थान हैं और सभी का अपना एक अलग महत्व है, परंतु हम उनमें से कुछ प्रमुख स्थानों के बारे में जानेंगे। पहला है विष्णुपद मंदिर। इस मंदिर का निर्माण के संबंध में कोई विशेष जानकारी उपलब्ध नहीं है, लेकिन मंदिर के वर्तमान स्वरूप का निर्माण इंदौर के शासक देवी अहिल्याबाई होलकर ने सन 1787 में फाल्गु नदी के तट पर कराया था। इस मंदिर में एक महत्वपूर्ण हिंदू पौराणिक कथा जुड़ी हुई है। पुराणों के अनुसार जब गयासुर नामक राक्षस देवताओं को परेशान करने लगा तो देवताओं की प्रार्थना पर भगवान विष्णु ने अपना दायां पैर उसके सिर पर रखकर उसे जमीन के अंदर धकेल दिया। इस दौरान भगवान विष्णु का पद चिन्ह का निशान सतह पर ही रह गया और बाद में उस राक्षस के सिर पर एक पत्थर रखकर उसे मोक्ष प्रदान किया। मंदिर के अंदर 40 सेंटीमीटर लंबा पद चिन्ह और गयासुर के ऊपर रखा गया पत्थर आज भी मौजूद है। हालांकि बौद्ध भी इस मंदिर को शुभ मानते हैं क्योंकि उनका मानना है कि उपर्युक्त पद चिन्ह भगवान बुद्ध का है। इस जगह से ये मंदिर दोनों धर्मों के लिए एक पवित्र स्थल है। दूसरा है महाबोधि मंदिर। बोधगया में स्थित महाबोधि मंदिर परिसर भगवान बुद्ध के जीवन से संबंधित चार पवित्र स्थानों में से एक है और विशेष रूप से इसे आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए जाना जाता है। पवित्र बौद्ध वृक्ष मंदिर के पश्चिम भाग में स्थित है। इसे भारत में पीपल के वृक्ष पीपल के रूप में भी जाना जाता है। यह माना जाता है कि यह वही वृक्ष है जिसके नीचे भगवान बुद्ध को ध्यान से ज्ञान प्राप्त हुआ था। 2002 में इसे यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल का दर्जा भी दिया गया था। यह मंदिर सबसे पहले 3rd शताब्दी ईस्वी में सम्राट अशोक द्वारा निर्मित कराया गया था और वर्तमान मंदिर 5वीं या 6वीं शताब्दी में बनाए गए। यह ईंटों से पूरी तरह निर्मित सबसे प्रारंभिक बौद्ध मंदिरों में से एक है जो भारत में गुप्त अवधि से अब तक खड़े हुए हैं। महाबोधि मंदिर में बुद्ध की एक बहुत बड़ी मूर्ति स्थापित है। यह मूर्ति पद्मासन की मुद्रा में है। इस मंदिर परिसर के दक्षिण पूर्व दिशा में प्राकृतिक दृश्यों से समृद्ध खूबसूरत एक पार्क है जहाँ बौद्ध भिक्षु ध्यान साधना करते हैं। अगर आप भी वहाँ जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। महाबोधि मंदिर के उत्तर पश्चिमी भाग में एक छत विहीन भग्नावशेष है जो रत्नाधारा के नाम से जाना जाता है। इसी स्थान पर बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद 4th सप्ताह व्यतीत किया था। दंत कथाओं के अनुसार बुद्ध यहां गहन ध्यान में लीन थे जब उनके शरीर से प्रकाश की एक किरण निकली थी। प्रकाश की इन्हीं रंगों का उपयोग विभिन्न देशों द्वारा यहां लगे अपने पताके में किया गया है। आगे हम बात करेंगे जामा मस्जिद की। दिल्ली की जामा मस्जिद की तरह ही गया में भी इसी नाम से एक प्रसिद्ध जामा मस्जिद है। ये बिहार की सबसे बड़ी मस्जिद है। तकरीबन 200 साल पुरानी इस मस्जिद में हजारों लोग एक साथ नमाज अदा कर सकते हैं। मुजफ्फरपुर के एक शाही परिवार ने इस मस्जिद का निर्माण करवाया था। शबीना और तबलीग यहाँ मनाए जाने वाले बेहद प्रसिद्ध त्यौहार है। आगे हम बात करेंगे तिब्बती मठ की। तिब्बती मठ बोधगया पर्यटन के सबसे बड़े आकर्षणों में से एक है। यह बोधगया में सबसे पुराने और सबसे बड़ा मठ है और इसमें बड़ी संख्या में प्राचीन बौद्ध धर्म ग्रंथ और दस्तावेज मौजूद है। मंदिर को सजाने वाली मैत्रेय बुद्ध की एक मूर्ति है। बोधगया में तिब्बती मठ का एक अन्य आकर्षण 10 मीटर ऊंची धातु का ड्रम है जिसे सुनहरे और लाल रंग से रंगा गया है। इस वस्तु को धर्मचक्र या कानून के पहिए के रूप में जाना जाता है। 200 क्विंटल लोहे से बना धर्मचक्र पर्यटकों में चर्चा का विषय रहा है। कहा जाता है कि इस चक्र को घुमाने पर पापों से मुक्ति मिल जाती है। मठ के भीतर एक विशाल पुस्तकालय है जिसमें बौद्ध धर्म के विभिन्न पहलुओं पर किताबें हैं। आगे हम बात करेंगे मंगला गौरी मंदिर की। भगवान शिव जब अपनी पत्नी सती के शरीर को लेकर आकाश में व्याकुल होकर घूम रहे थे तो माता सती के शरीर के 51 टुकड़े देश के विभिन्न हिस्सों में गिरे थे। इन स्थानों को शक्तिपीठों के रूप में जाना जाता है। इन्हीं में से एक गया का मंगला गौरी देवी का मंदिर है। यहाँ के गर्भगृह में काफी अंधेरा रहता है परंतु यहाँ वर्षों से एक दीप जल रहा है। कहा जाता है ये कभी नहीं बुझता। इस मंदिर का उल्लेख वायु पुराण, अग्नि पुराण और अन्य हिंदू ग्रंथों में भी मिलता है। अगर आप असम के कामाख्या शक्तिपीठ जाना चाहते हैं तो किसी कारण से वहां नहीं जा पा रहे तो आप इस मंगला गौरी देवी के मंदिर चले आइए क्योंकि इसकी शक्तिपीठ को असम के कामाख्या शक्तिपीठ के समान माना जाता है। आगे हम बात करेंगे पितृपक्ष मेले की।
अश्विनी महीने के कृष्ण पक्ष प्रतिपदा में अमावस्या तक 15 दिनों तक लगने वाला यह विश्व प्रसिद्ध पितृपक्ष मेला हिंदू धर्म के लोगों के लिए बहुत अधिक महत्व रखता है। इन दिनों वे अपने पितरों की मुक्ति के लिए विधि विधान से श्राद्ध कर्म करते हैं। इस मेले का आयोजन गया के फाल्गु नदी के घाट के पास हर साल होता है, जहाँ कोई भी इस अनुष्ठान को कर सकता है। हालांकि यदि पिंडदान करने की इच्छा नहीं रखते हैं तो आप ठंडी हवा के साथ सूर्यास्त के दृश्यों का आनंद लेने के लिए कई घाटों में से एक पर जा सकते हैं। इस मेले में आने वालों की संख्या 50,000 से ज्यादा होती है। अगर हम गया जिले के प्रमुख व्यंजनों की बात करें तो अगर आप मोक्षधाम गया जाते हैं तो वहाँ के तिलकुट का आनंद जरूर लें, खासकर रमना रोड के दुकानों के तिलकुट क्या, क्योंकि रमना मार्केट के तिलकुट का आविष्कारक कहा जाता है। तो दोस्तों, बिहार के पर्यटन स्थलों में आज हमने आपको गया जिले के पर्यटन स्थलों के बारे में बताया। अगले वीडियोस में हम आपको बिहार के अन्य जिलों के दर्शनीय स्थलों के बारे में बताएंगे। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो हमारे चैनल बिहारी न्यूज को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हमारा कोई भी अपडेट आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। इसके साथ ही अगर आप गया जिले के हैं या आपने कभी गया जिले का भ्रमण किया हो तो आपके अनुसार यहाँ के सबसे प्रसिद्ध स्थल कौन से हैं? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।